हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 2 जिसका नाम ध्रुव है उसकी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग बुक ओपन कीजिए और बुक ओपन करने के बाद जो है आप जो है एज़ ही सॉ दिस साइट इस पैराग्राफ पे आ जाइए और यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एज़ ही सॉ दिस साइट हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद द डिज़ायर टू सिट लाइक उत्तमा ऑन हिज फादर्स लैप। ही रन टूवर्ड्स द किंग सेइंग फादर लिफ्ट मी टू ऑन टू योर लैप। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर की स्टोरी में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बताया था कि जब ध्रुव को अपने पापा से मिलने की बहुत मन हुआ कि मेरे पापा इतने बड़े राजा हैं और हम उनसे दूर रहते हैं, उसका मन हो रहा था कि पापा से मिलने जाऊं। ठीक है, और वो जब पापा से मिलने एक बहुत ही स्प्लेंडेड डेकोरेटेड हॉल में गया मिलने, तो वो देखता है कि जो उसकी छोटी माँ होती है सुरुचि, उसका जो बेटा है उत्तम, वो राजा की गोद में बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसी के आगे की स्टोरी यहाँ पर मैंने आपको बताई कि एज ही सॉ दिस साइट, जैसे ही उस ध्रुव ने अपने छोटे भाई उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे हुए देखा, His heart was filled with desire to see। उसका दिल भी मचलने लगा कि वो भी अपने पिता की गोद में उत्तमा की तरह अपने पापा के फादर स्लैब पे बैठे। ठीक है, उसका भी बड़ा मन हुआ। ही रन टुवर्ड द किंग, और वो दौड़ करके राजा के पास गया, सिंह कहते हुए, ये दौड़ते मतलब दौड़ के या बोलते हुए गया, और फादर लेफ्ट मी, पापा मुझे भी उठा लो, टू ऑन टू योर लैप, अपने गोद में। अच्छा, जब वो दौड़ के बोलते हुए आ रहा था पिताजी मुझे भी गोद में ले लीजिए, तो सुरुचि कुड नॉट टॉलरेट दिस, सुरुचि को उसकी छोटी माँ को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, सी रूडली पुशेड ध्रुव, उसने बहुत ज़ोर से बहुत ही कूरता के साथ ध्रुव को धक्का देते हुए सिंह कहा, क्या कहा, यू आर नॉट वर्थी ऑफ सिटिंग ऑन दिस किंग स्लैब। उसने कहा कि तुम राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं हो, यू आर नॉट वर्थी, तुम्हें औकात नहीं है राजा की गोद में बैठने के लायक, बिकॉज क्योंकि यू आर नॉट बॉर्न एज माई सन, क्योंकि तुमने मेरे बेटे के रूप में जन्म नहीं लिया है। सो सेइंग ही पुशेड हिम असाइड स्कॉर्नफुली, और उसने ध्रुव को तिरस्कारपूर्ण मतलब एक घृणापूर्ण तरीके से एक तरफ धक्का देके खड़ा कर दिया। पुअर ध्रुवा बस्ट इंटू टीयर्स, जो बेचारा ध्रुव था उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मतलब धड़ धड़ बहने लगे, जैसे उसने फट जाता है कोई चीज़, पानी बहुत तेज़ी से बहने लगती, वैसे उसकी आंखों से आंसू जो है बहुत तेज़ी से गिरने लग गए। एंड रन टू हिज मदर, और वो रोते रोते अपनी माँ के पास बोला गया, और क्राइंग और रोने लगा। सुनीति वॉज वेरी अपसेट टू सी हर नॉर्मली चेयरफुल लिटिल बॉय इन टीयर्स। अब सुनीति को जब उसने अपने बच्चे की आंखों में, जो हमेशा खुश रहने वाला बच्चा था, उस छोटे से बच्चे की आंखों में आंसू देखी तो बहुत परेशान हो गई, अपसेट हो गई। ठीक है, व्हेन सी फाउंड आउट द रीज़न फॉर हिज सॉरो, और जब उसे अपने बेटे के दुख के बारे में पता चला, सी वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ठीक है मेरे बच्चों, ये नेक्स्ट पैरा की लाइन में है, चलिए नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। मेरे बच्चों, जब उसे अपने बेटे के दुख के बारे में पता चलता है, रीज़न फॉर दिस सॉरो, सी वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस, तो वो बहुत ही परेशान हो उठती है। देन सी कंसोल्ड हिम, और फिर वो अपने बेटे को समझाते हुए कहती है, क्या कहती है, माई चाइल्ड, मेरे बेटे, डोंट क्राई, मत रो, योर फादर इज़ ओनली योर अर्थली फादर, तुम्हारे पिताजी केवल इस पृथ्वी के फादर हैं, ही कैन डिसअपॉइंट यू, तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, बट परंतु आवर इथर्नल फादर, क्योंकि हमारे पास एक क्या है, सर्वमान्य पिता हैं, यानी ये पिता तो केवल धरती के पिता है, लेकिन तुम्हारे एक पिता और हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं। ठीक है, द अलमाइटी गॉड, वो पिता कौन है,
सर्वशक्तिमान ईश्वर है। यू विल नेवर डिसअपॉइंट यू, तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। फाइंड ए प्लेस इन हिज लैप, अगर तुम वाकई में बैठना चाहते हो पिता की गोद में, तो एक अर्थली फादर की गोद में बैठने के बजाय तुम्हें किसकी गोद में बैठना चाहिए, जो सर्व शक्तिशाली पिता है, जो उससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है, उस पिता की गोद में बैठना चाहिए। ध्रुव वाइप्ड हिज आइज, ध्रुव जो है अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और सैड और कहता है, मदर आई सेल्फ फाइंड गॉड, माता जी मैं उस उन सर्वशक्तिमान ईश्वर को ढूंढूंगा। आई विल लिव, मैं उनके साथ रहूंगा एंड प्रे इन द फॉरेस्ट, और वो जंगल में तपस्या करने के लिए चला जाता है। आई विल लिव एंड प्रे इन द फॉरेस्ट, वो कहता है कि मैं भगवान की गोद में बैठने के लिए जंगल जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा और वहीं रहूंगा। ध्रुव स्टार्टेड हिज मेडिटेशन, ध्रुव जंगल जाता है और वहाँ पर ध्यान लगाता है, लगाना शुरू करता है। ही फाउंड ए सुटेबल प्लेस, इसके लिए वो एक उचित स्थान ढूंढता है और सेट डाउन वहाँ बैठ जाता है। एंड फिक्स्ड हिज माइंड ऑन लॉर्ड विष्णु, और फिर भगवान विष्णु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। विदाउट फूड, अनकेयरिंग ऑफ हिज हार्श वेदर एंड द डेंजर्स अराउंड हिम, ठीक है, बिना खाए पिए, बिना किसी मौसम से बचाव किए, खतरों के चारों तरफ होते हुए बीच में बैठा हुआ ध्रुव जो है वो भगवान का ध्यान करने में लग जाता है। ही वेंट ऑन रिसाइटिंग द स्केयर्ड नेम ऑफ लॉर्ड, ठीक है, और ही वेंट ऑन रिसाइटिंग द स्केयर्ड नेम ऑफ द लॉर्ड, और वो भगवान के ध्यान में चला जाता है। एंड मंथ पासेड, डेज एंड मंथ पासेड, और ये करते करते उसको कई दिन कई महीने बीत जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसके आगे की स्टोरी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और वहीं पे ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।